मैंने ऐसा किया, फीड घर रख किया, और फिर हम दोबारा बाजार गए तो फिर हमने उससे परचेज कर ली थी। अब वो सरप्राइज हम आपको दिखाते हैं, तो सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंड द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सुबह के टाइम में हमने अपनी मुर्गियों को अभी तक नहीं खोला, ये देखें हमारी मुर्गियाँ अभी केज के अंदर ही बंद हैं, क्योंकि जो सा हमारा एक असील चिक्स था वो कल उनसे ठंड लगी हुई थी, तो हमने इन दोनों केज के अंदर ना कपड़ा रख दिया था ताकि इन्हें ठंड ना लगे। तो दूसरे नंबर पर आज हमने यहाँ पर भी पर्दा लगाना है ताकि मुकम्मल तौर पर हमारा जो सा केज है जहाँ पे हम अपनी मुर्गियाँ बंद करते हैं वो महफूज रह सके, इन्हें ठंड ना लग सके। ऊपर हम इन्हें इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि ऊपर ज़्यादा ठंड होती है बीए जू में, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर ही बंद कर रहे हैं। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर हम इन्हें ऊपर शिफ्ट कर देंगे। फिर निकालते हैं इनके केस से मुर्गियों को। आ जाओ सारी बाहर आ जाओ। उम्मीद है कि हमारा जो सा सील चिक्स है वो आज ठीक होएगा, तो उसे भी निकाल देते हैं बाहर। ये देखें माशाल्लाह से आज काफ़ी बेहतर है, कल इसे मेडिसिन भी दी थी तो आज माशाल्लाह से ये वाला जो सा सील है ये काफ़ी बेहतर है, ये वाला, ये देखें आज काफ़ी बेहतर है। दोस्तों, बाज़ार से हम इनके लिए फीड लेके आए थे और बाजरा, आज फर्स्ट टाइम मैं इनके लिए फीड भी लेके आया हूँ, आप पीछे देख सकते हैं फीड पड़ी हुई है डब्बे के अंदर। तो जब मैं लेके आया था तो इन्होंने सारा शॉपर फाड़ दिया था, ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा, ये देखें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है और यहाँ पे भी गिरी हुई है, ये देखें। जब मैं लेके आया था ये सारे सील और देसी मुर्गियाँ शॉपर के पीछे पड़ गए थे और शॉपर को इन्होंने फाड़ दिया। तो आज एक सरप्राइज़ भी है, हम मार्केट गए थे बाजरा और ये फीड वगैरह लेने गए थे, तो हमें एक चीज़ अच्छी लगी थी तो हम बाज़ार से वो ख़रीद लाए। वहाँ पे एक आदमी सेल कर रहा था उसे, लेकिन तो मैंने ऐसा किया फीड घर रख दिया, और फिर हम दोबारा बाज़ार गए तो फिर हमने उससे परचेज़ कर ली थी। अब वो सरप्राइज़ हम आपको दिखाते हैं, तो हमें सब्र करें। मैं नीचे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो क्या सरप्राइज़ है, हमने उसे अभी नीचे रखा हुआ, नीचे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं हम। ये देखें दोस्तों, ये वो सरप्राइज़ है, हमने मार्केट से ये कैट परचेज़ किया, वहाँ पे मार्केट में ना भाई बेचने आया हुआ था तो हमें ये पसंद आ गई तो हमने ये ख़रीद ली। इसकी जो सी आइज़ हैं ये आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर की आइज़ हैं, लाइट ग्रीन कलर की। तो इसका नाम आपने कमेंट करके बताना है कि हम इसका क्या नाम रखें। ये देखें ये ग्रीन पैरेट कलर की इसकी आँखें हैं, ये देखें, आपने कमेंट करके बताना कि इसका हम क्या नाम रखें। वैसे हमने नाम तो सोचा हुआ है क्योंकि हमने जो सी पिछली कैट एक बाज़ार से ख़रीदी थी वो, लेकिन वो थोड़ा छोटा बच्चा था तो उसका हमने नाम कीकी रखा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम कीकी रखता हूँ, लेकिन आपसे एक दफ़ा मशवरा कर लेता हूँ कि कीकी नाम इसका बेहतर रहेगा।
तो दोस्तों हमारी कैट ने कलेजी खा लिया, पहले तो हल्का हल्का मुंह मार रही थी, फिर उसने खा ली थी, मैंने उसे हाथ में रख के खिलाई तो उसने खा ली थी। उससे पहले हमने इसको दूध भी खिलाया, तो आप लाजमी कमेंट करके बताना कि हम इसका क्या नाम रखें। तो अभी तक हमने अपनी मुर्गियों को भी नहीं खोला, तो पहले टाइम हम अपनी मुर्गियों को खोलते हैं, तो अभी हम इन अपनी मुर्गियों को खोलेंगे, उन्होंने यही वाला दाना खिलाएंगे जो सा यहाँ पे पड़ा था। जैसे कि दोस्तों हम अपनी कैट को ऊपर लेके आए थे, तो यहाँ पे धूप में बैठ गया आराम से उनसे, अब देखें अब वहाँ पर चली गई है, तो धूप इंजॉय कर रही है अब ये आराम से। ये देखें फ्रेंड्स हमारी मुर्गियों ने भी अब फीड खाना स्टार्ट कर दिया, ये देखें ये भी खा रही हैं यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे खा रही हैं, और बाकी ये चरपाई के नीचे बैठी हुई हैं यहाँ पे खा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मुर्गियों ने फीड खाना भी स्टार्ट कर दिया, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि जल्दी ये बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये देखें आप, अभी आप ये देख सकते हैं ये फुल साइज़ नहीं है, अभी ये छोटे हैं पट्ठे हैं, तो उम्मीद है कि अब ये फीड खाना भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया, तो जल्दी अब ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर अंडे भी दिया करेंगे और फिर अजाने भी दिया करेंगे। अजाने देंगे तो मेरे पापा बोलेंगे, तो अंडे तो देंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल बी ए बर्ड्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।